मैं चंद्रशेखर सिंह कक्षा अष्टम में हिंदी पढ़ाने जा रहा हूँ। आप सभी का कक्षा में स्वागत है, अभिनंदन है। पाठ आठ समास। समास किसे कहते हैं? समास की परिभाषा, दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहा जाता है। समास विग्रह, समास विग्रह समस्त पदों को तोड़ने अर्थात अलग अलग करने को समास विग्रह कहा जाता है। जैसे त्रिलोचन समस्त पद का समास विग्रह है, तीन है जिसके लोचन। समास के भेद, समास के छह भेद होते हैं। पहला अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, गुण समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। अब अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? जिस समास का पहला पद अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास में पहला पद पूर्व पद प्रधान होता है तथा समस्त पद अव्यय की भांति काम करता है। जैसे यथा धन शीघ्र, यथा शीघ्र यहाँ यथा अव्यय है तथा यथा शीघ्र समस्त पद भी एक अव्यय की भांति कार्य कर रहा है। जैसे समस्त पद विग्रह नि संदेह, संदेह से निहित, यथा शीघ्र जितना शीघ्र हो, प्रतिदिन हर दिन, आजीवन जीवन पर्यत्न जीवन भर, अनुरोध रूप के अनुसार, यथामति मति के अनुसार। इसमें दूसरा है फिर अव्ययी भाव समास में कभी कभी पूर्व पद को दोहराकर भी लिखा जाता है। ऐसे शब्द को अव्ययी भाव समास का रूप ले लेते हैं। जैसे रातों रात, रात ही रात में, हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में, दिनों दिन, दिन ही दिन में, एकाएक अचानक। अब इसमें दूसरा है तत्पुरुष समास। जिस समास में उत्तर पद यानी दूसरा पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद गौण होता है, गौण, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास के निम्नलिखित भेद होते हैं। कर्म तत्पुरुष समास, जहाँ पूर्व पद में कर्म कारक की विभक्ति को का लोप हो वहाँ कर्म तत्पुरुष समास होता है। जैसे समस्त पद विग्रह, ग्रामगत ग्राम को गत, सर्वो स्वर्गगत स्वर्ग को गत, परलोक मन परलोक को गमन, यश प्राप्त यश को प्राप्त। अब इसमें दूसरा है करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष में क्या होता है? जहाँ पूर्व पद में करण कारक की विभक्ति से का लोप होता है, लोप हो वहाँ करण तत्पुरुष समास होता है। जैसे समस्त पद विग्रह दयार्द, दया से आर्द, ज्ञानयुक्त ज्ञान से युक्त, मनमाना मन से माना, सुरकृत सुर से द्वारा कृत, गुणयुक्त गुण से, मदान मद से अंधा। तीसरा इसमें संप्रदान तत्पुरुष, जहाँ समास में संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप हो जाता है वहाँ संप्रदान तत्पुरुष समास होता है। जैसे क्रीड़ा क्षेत्र क्रीड़ा के लिए क्षेत्र, पाठशाला पाठ के लिए पाठशाला, युद्ध युद्ध क्षेत्र युद्ध के लिए क्षेत्र, सत्याग्रह सत्य के लिए आग्रह, गुरु दक्षिणा गुरु के लिए दक्षिणा, आराम कुर्सी आराम के लिए कुर्सी। इसमें चौथा है अपादान तत्पुरुष समास।